हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान आबे एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, अगर आप झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट के साथ साथ कोटा का सिलेबस भी जानना जरूरी है और इसे अच्छी तरह से पढ़ना भी जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कोटा में क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। तो इसमें हम लोगों को चार पार्ट्स पढ़ने हैं, गद्य भाग, पद्य भाग, नाटक और साहित्य की अन्य विधाएँ। तो हम लोग देखते हैं गद्य भाग में क्या पढ़ना है। तो गद्य भाग में कहानी हमें पढ़ना है, जिसमें तीन कहानी पढ़ना है। पहला है छाहर, ये एक कहानी संग्रह है। छाहर क्या है? एक कहानी संग्रह है जिसमें हम लोगों को 10 कहानी पढ़ना है, 10 स्टोरी पढ़ना है। छाहर में 10 स्टोरी पढ़ना है और छाहर के लेखक हैं चित्रंजन महतो चित्रा। जिन्हें चित्रा भी कहा जाता है। इसमें दूसरा पढ़ना है सोन माटी। और सोन माटी में भी 10 स्टोरी पढ़ना है। सोन माटी के लेखक कौन है? देखिए, ये कहानी संग्रह है। सोन माटी कहानी संग्रह है। इसके लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार। ठीक है, तो गद्य भाग में हमें तीन कहानी संग्रह पढ़ना है। पहला है छाहर कहानी संग्रह है, सोन माटी ये भी कहानी संग्रह है जिसमें 10 स्टोरी है, छाहर में भी 10 स्टोरी है, और तीसरा पढ़ना है खोटा निबंध। खोटा निबंध में भी 10 स्टोरी है। इसके लेखक हैं डॉक्टर बी एन ओहदार। तो हमें गद्य भाग में तीन कहानी पढ़नी है, छाहर, सोन माटी और खोटा निबंध। उसके बाद गद्य भाग के बाद हमें पद्य भाग यानी कि पोएम भी पढ़ना है, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग को पद्य भाग पढ़ना है यानी पोएम पढ़ना है। पोएम में हम लोग को चार किताबें पढ़नी हैं, जिनमें से पहले है दामोदरी कोराएं। और दामोदरी कोराएं में 6 कविता है। दामोदरी कोराएं के लेखक कौन है? शिवनाथ परमानंद।
अगला पढ़ना है आंखिक गीत। और आंखिक गीत में 71 कविता पढ़ना है। और आंखिक गीत के लेखक हैं श्रीनिवास पानुरी जी। अगला जो कविता पढ़ना है वो है खोरठा काठे पैथे खंडी। और इसमें हम लोगों को 22 कविता पढ़ना है। खुट्ठा काठे पैदे खंडी के लेखक कौन है? एके झा। अगला पद भाग जो है वो है एक मौनी फूल। एक मौनी फूल में हम लोगों को 31 कविता पढ़ना है। और एक मौनी फूल के लेखक कौन है? संतोष महतो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि गद्य भाग में कितने जो स्टोरी पढ़ने हैं, कहानी संग्रह वो, और पद्य भाग में कितनी कविता पढ़ना है वो देख चुके हैं। आगे देखते हैं नाटक कौन कौन सा पढ़ना है। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं नाटक। हम लोगों को 4 नाटक पढ़ना है। 4 नाटक पढ़ना है जिसमें से पहला है डाह। और डाह के कौन लिखे हैं? सुकुमार। दूसरा नाटक जो है वो है अजगर। और इसके लेखक हैं विश्वनाथ दसौंधी राज। अगला जो नाटक है वो है चामी काठी। और चामी काठी के लेखक जो हैं वो हैं श्रीनिवास पानुरी जी। देखिए नाटक में अगला जो नाटक है वो हम लोगों को पढ़ना है उद्वासक कर्ण। और इसके लेखक हैं श्रीनिवास पानुरी। ठीक है, तो नाटक हम लोगों को 4 ही पढ़ना है। आगे जो पढ़ना है वो कुछ साहित्य जो है, साहित्य की अन्य विधाएं भी पढ़नी है, उसको भी हम लोग देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं साहित्य की अन्य विधाएं। 4th पॉइंट है,
इसमें हम लोगों को पढ़ना है संस्मरण। और पढ़ना है जीवनी। जीवनी में बहुत सारे झारखंड के क्रांतिकारियों का जीवनी दिया जा सकता है, जैसे बिरसा मुंडा। एक भिखारी इसी तरह से और भी हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद पढ़ना है यात्रा वृतांत। जैसे कि नेतरहाट की यात्रा, और भी बहुत सारे, इसी तरह से बहुत सारा रह सकता है। अगला जो पढ़ना है वो है शब्द चित्र। तो आगे अगला क्लास में बताएंगे कि संस्मरण में क्या क्या पढ़ना है, जीवनी में किसका किसका जीवनी पढ़ना है, यात्रा वृतांत जो है उसमें क्या पढ़ना है, और शब्द चित्र क्या इसमें से पढ़ना है। ये JSSC CGL के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कोटा में पढ़ना है। इसमें जिसमें जिनका कोटा है वो अच्छी तरह से इसका तैयारी करें। और अगला क्लास में हम स्टोरी जो है उसको बताएंगे और उसका बारे में डिटेल से समझाएंगे क्या है स्टोरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।